हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि तमाम छोटे बड़े यूट्यूबर सब लोग अपनी अपनी जानकारी दे रहे थे, जिसकी जितनी समझ थी उन्होंने उतनी उतनी जानकारी दी और सब ने उन पे प्रतिक्रिया भी की। तो फिलहाल आज 18 तारीख है और 18 तारीख को एक UPNHM का अपडेट निकल के आया है, जो आप लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि वैकेंसीज़ घटाई गई हैं, बढ़ाई गई हैं या फिर कैंसिल की गई हैं, उनके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन NUHM के तहत आया है। आप लोग को वैकेंसी पे सीधा ले चलता हूँ। अभी अभी ये नोटिस मैंने डाउनलोड किया है और आप सबके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सीधा सीधा लिखा गया है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग एडिशन ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पे इस कॉलम में आप देख सकते हैं, इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग एडिशन ऑफ वैकेंसीज इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड विद दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो वैकेंसीज हैं इन डिस्ट्रिक्ट वाइज बढ़ाई गई हैं। ठीक है, आप लोग जब UPNHM की वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें भी जो आपको नोटिफिकेशन का लिंक आएगा उसमें भी दिया गया है साफ साफ शब्दों में कि एडिशन ऑफ वैकेंसीज, उसमें साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन डेटेड 18 जनवरी 2023, ब्रैकेट में लिखा है एडिशंस ऑफ वैकेंसीज, यानी वैकेंसीज बढ़ी हुई हैं दोस्तों, कम नहीं हुई हैं। NUHM फार्मासिस्ट की बात करें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें दो पोस्ट बढ़ाई गई हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ सीधा, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस जो सेक्शन में लिखा है ये एडवर्टीज्ड वैकेंसी है, यानी जो एडवर्टीजमेंट आया था वो वैकेंसी का यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा गया है। नेक्स्ट कॉलम में है आपका एडिशनल वैकेंसीज एडेड, यानी कि एडिशनल वैकेंसीज भी ऐड की गई हैं, वो इस कॉलम में आपको देखने का मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पहले की वैकेंसी है और इसमें 408 का एडिशन हुआ था। तो मैंने भी स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था लेकिन मैंने उसको अपलोड नहीं किया था, क्योंकि भ्रमित में सब लोग थे, क्योंकि उसमें ना तो कहीं इंक्रीज़ करने के लिए लिखा गया था ना तो डिक्रीज़ करने के लिए लिखा गया था। तो अब जहाँ तक है कि NHM UP वाले भी इस चीज़ को लेकर के चिंतित थे और परेशान थे, कि अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे थे और उनके पास भी बार बार फ़ोन कॉल जा रहा था, जिससे उन्होंने उसको पुराने वाले नोटिफिकेशन को उन्होंने डिलीट करके नए तरीके से और नए फॉर्मेट में आप सभी के सामने पेश किया है। आप लोग वैकेंसीज़ को जो एडिशन हुई है उनको देख सकते हैं, यहाँ पे तीन सेक्शन है, जो पुरानी वैकेंसीज आई थी उसका एडवर्टीजमेंट के हिसाब से वैकेंसी लिखी गई है और जो नई आई है उसमें 408 है और टोटल रिवाइज वैकेंसी हो गई है आपकी, यहाँ पे नीचे लिखा गया है 6611 रिवाइज वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें नीचे लिखा है रेस्ट वैकेंसीज अंडर वेरियस प्रोग्राम, उसी के जस्ट नीचे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है अच्छे अच्छे बड़े शब्दों में, रेस्ट वैकेंसीज अंडर वेरियस प्रोग्राम्स अपार्ट फ्रॉम एफॉरसेड पब्लिश्ड बाई एडवर्टीजमेंट नंबर फला 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 दिया है 26 नवंबर 2022 सेल रिमेन द सेम, यानी कि जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो 17,000 कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में लोग कह रहे हैं कि घटा करके कम कर दी गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो उनका एडिशन हुआ है। ठीक है, आप तो आप समझ गए होंगे। और इसमें यहाँ पे नीचे इस सेक्शन में भी लिखा हो गया है कि जो जितनी वैकेंसीज़ हैं वो जस का तस ही रहेगा। ठीक है, और ये जो 408 है ये इसमें इसका एडिशन हुआ है। ठीक है, तो बाकी आप लोग नीचे देख सकते हैं किस में वैकेंट बढ़ाई गई हैं, वो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वाराणसी में और गौतम बुद्ध नगर में, जो कि NUHM में है, और RBS के फार्मासिस्ट में भी 43 या 46 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। ठीक है, RBS के में फार्मासिस्ट सेक्शन में चलेंगे, ये 43 बढ़ाई गई है RBS के में। ठीक है, तो आप सभी छोटे बड़े यूट्यूबर जो भी हैं उनसे निवेदन यही है कि कृपया देख लें, सोच लें, समझ लें, उसके बाद ही वीडियो बनाया करें। ठीक है, तो ये नया एडवर्टीजमेंट है जो कि अभी अभी लेटेस्ट है और अभी अभी ये NUHM की वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एडिशन हुआ है। ठीक है, वैकेंसी का। धन्यवाद।